हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ERA और TPB मॉडल के बारे में। ERA मीन्स थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, और TPB का मतलब है थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। देखिए, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन जो मॉडल है वो हमें ये बताता है कि आपका जो बिहेवियर होगा वो इन्फ्लुएंस होगा आपकी इंटेंशन से, और आपकी जो इंटेंशन होगी फर्दर उसको दो वेरिएबल अफेक्ट करेंगे। पहला है एटीट्यूड और सेकंड है सब्जेक्टिव नॉर्म्स। मींस ये मॉडल आपको ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी पर्सन का बिहेवियर उसकी इंटेंशन से इन्फ्लुएंस होता है, और उसकी जो इंटेंशन है फर्दर उसको दो वेरिएबल इन्फ्लुएंस करते हैं, एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म्स। अब इस मॉडल की बात करें तो इसको डेवलप किया गया था आइजन और फिशबिन के द्वारा 1980s में। और अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, तो थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर एक एक्सटेंशन है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन का, जो कि डेवलप किया गया था पूरे 10 साल बाद 1991 में। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन क्या है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया मीनिंग से कि थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन में ये बताता है कि आपका जो बिहेवियर होगा वो इन्फ्लुएंस्ड होगा इंटेंशन से, और इंटेंशन जो है फर्दर इसको दो वेरिएबल अफेक्ट करते हैं जो कि एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं। अब इस मॉडल को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहेवियर आपका कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज़ अगर मैं आपकी बिहेवियर को समझने की कोशिश करूं कि आप मान लेते हैं कि आप बाइक परचेज़ करेंगे या नहीं, तो ये आपका बिहेवियर होगा कि आप बाइक परचेज़ करेंगे या नहीं। अगर पर इस बिहेवियर को वो जो चीज़ अफेक्ट करेगी वो होगी इंटेंशन। देखिए, आप जितना विलिंगनेस होंगे या जितनी इंटेंशन आपकी पॉजिटिव होगी उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे बाइक को परचेज़ करने पर। लेकिन अगर हम बात करें आगे, जो बिहेवियर इंटेंशन है वो फर्दर दो चीज़ों से अफेक्ट होती है। पहली जो चीज़ है वो है एटीट्यूड, और सेकंड जो है सब्जेक्टिव नॉर्म्स। देखिए, अब एटीट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड हमारा एक परसेप्शन होता है किसी भी चीज़ के लिए, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर फर्दर हम बात करें तो एटीट्यूड को दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, दो चीज़ों से एटीट्यूड आपका फॉर्म होता है। पहली जो चीज़ है आपका ये होता है कि आप अगर वो बिहेवियर परफॉर्म करेंगे, मतलब अगर आप बाइक को परचेज़ करेंगे तो उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, इतना वर्दी होगा उस बाइक को परचेज़ करना आपके लिए। सेकंड जो होगा, जो फैक्टर होगा वो होगा कि आप जितने भी आपने सोचे हैं आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंस बाइक को परचेज़ करने से क्या हो सकता है, क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, उनको आप इवेल्युएट करोगे। और इवेल्युएट करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा बाइक को परचेज़ करना, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव में आएगा इट मींस कि आपका जो एटीट्यूड है ओवरऑल वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है अफेक्ट करेगा बिहेवियर इंटेंशन को, और बिहेवियर इंटेंशन फर्दर बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। तो ये था हमारा एटीट्यूड कि अगर एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो अफेक्ट करेगा बिहेवियर इंटेंशन को पॉजिटिवली, और फर्दर वो अब बिहेवियर को अफेक्ट करेगा और आप बाइक को परचेज करेंगे। लेकिन एक और फैक्टर है जो कि बिहेवियर इंटेंशन को अफेक्ट करता है, वो ये है सब्जेक्टिव नॉर्म्स। ये है सब्जेक्टिव नॉर्म्स का मतलब ये है कि इतना सोशल इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, या सोशल प्रेशराइज, आप कितना सोशल प्रेशराइज हैं, मतलब लोग कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको, जो आपके पास आसपास लोग हैं आपके फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स वो इन सब में आ जाते हैं, तो वो कितना इन्फ्लुएंस करते हैं आपको बाइक परचेज़ करने के लिए। फर्दर अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी दो चीज़ों से बनता है, दो फैक्टर से सब्जेक्टिव नॉर्म्स
बनता है। पहला जो फैक्टर है वो ये है कि आप लोगों लोगों को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। मान लेते हैं आपके फ्रेंड्स आपके कलीग्स के पास भी बाइक है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पास भी बाइक हो। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि आप कितना मोटिवेटेड हैं उनकी बातों को फॉलो करने के लिए, या आप कितना मोटिवेटेड हैं उनके ओपिनियन को सीरियस लेने के लिए। देखिए, जितना अगर आपको अफेक्ट पड़ेगा लोगों की बातों से या उनके ओपिनियन से, उतना ही आप सोशल प्रेशराइज फील करेंगे और आप उतना ही आपकी जो इंटेंशन है वो उतनी ही इंक्रीज़ हो जाएगी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। अब मान लेते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे कि आपके पास भी बाइक होनी चाहिए, और आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे फ़र्क पड़ता है कि जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है। तो अगर उसका आंसर जो है आप पॉजिटिव फाइंड करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी बिहेवियर इंटेंशन जो है वो भी हाई हो जाएगी बाइक को परचेस करने के लिए। तो ये जो मॉडल हमने देखा ये था थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। अगर हम बात करें आगे तो थ्योरी ऑफ प्लैंड बिहेवियर के बारे में, तो थ्योरी ऑफ प्लैंड बिहेवियर के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कुछ नहीं है, ये एक्सटेंशन है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन का। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस मॉडल में क्या बदलाव किया गया, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन में ऐसा क्या बदलाव किया गया और वो थ्योरी ऑफ प्लैंड बिहेवियर बन गया। तो हम जो डायग्राम देखेंगे अभी, ये देखिए, ये जो मॉडल है यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, बिहेवियर, बिहेवियर इंटेंशन, एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म्स। थ्योरी ऑफ प्लैंड बिहेवियर में क्या इंट्रोड्यूस किया गया वो है परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल। इस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया गया थ्योरी ऑफ प्लैंड बिहेवियर में, और बाकी आप देखें तो वो ये सेम ही है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन का। सो अब हम बस समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है इसका मीनिंग क्या है। तो थर्ड जो वेरिएबल है वो है परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल। देखिए, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल को समझने की कोशिश करें, अगर हम अपना एग्जांपल ही लें बाइक वाला जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि आप बाइक परचेज करेंगे या नहीं, तो बिहेवियर कंट्रोल जो वेरिएबल है हमें ये बताता है कि उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए, वो जो बिहेवियर आप परफॉर्म करना है, जो बाइक आपको परचेज करनी है, वो टास्क आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट है या कितना ईजी है, और आपका जो बिहेवियर कंट्रोल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा या आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपके पास रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अब मान लेते हैं कि आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, आपके सब्जेक्टिव नॉर्म्स मतलब आप सोशल प्रेशराइज भी फील कर रहे हैं, और आपका जो आपके पास रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब ये कैसे, देखिए, अगर आपको बाइक लेनी है तो आपके पास इनफ रिसोर्सेस, आपके पास पैसा होना चाहिए अच्छा खासा, तभी आप बाइक परचेज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा तो आप जो है आपकी जो इंटेंशन क्या है वो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास कंट्रोल है, तो आप क्या करोगे, बिहेवियर इंटेंशन आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और आप फाइनली बाइक को परचेज़ कर लोगे। तो ये जो है बिहेवियर कंट्रोल हमें ये बताता है कि आपका कितना कंट्रोल है उस चीज़ के लिए। तो अगर आपके पास रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी होंगी और आपके पास वो इजी होगा उस चीज़ को कंट्रोल करना, तो आपका बिहेवियर इंटेंशन पॉजिटिव होगा और फर्दर जो आपका बिहेवियर को आप परफॉर्म करेंगे और आप जो आप बाइक है वो परचेज़ कर लेंगे। तो ये था कंप्लीट वीडियो ऑन थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन एंड थ्योरी ऑफ प्लैंड बिहेवियर। मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन इस चीज़ इस वीडियो में बताई है ये आपको एक रिसर्च पेपर के हेल्प से बताई है, और अगर आप चाहते हैं आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन और थ्योरी ऑफ प्लैंड बिहेवियर के बारे में, तो आप जो है ये रेफरेंस जो है यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।